हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है गाइस एक और अमेजिंग वीडियो में। और गाइस इस वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है कि गाइस जब केविन 11 गाइस किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करता है तो क्या उसको दर्द होता है। अब गाइस पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गाइस जब बेन ओमनीट्रिक्स से एलियन बनता है तो क्या उसको दर्द होता है। अगर गाइस वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो गाइस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो कि गाइस क्या वहाँ पर बेन को दर्द होता है कि नहीं। और गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केविन 11 के बारे में कि क्या केविन 11 किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करता है तो क्या उसको दर्द होता है। तो गाइस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। उससे पहले गाइस आप सभी को दिल से धन्यवाद। गाइस आप लोगों की वजह से आज हमारे चैनल ने गाइस 1K सब्सक्राइबर हिट कर लिया है, यानी कि हमारा 1000 सब्सक्राइबर गाइस पूरा हो चुका है। बहुत जल्दी गाइस हम लोगों ने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिया है, एक महीने के अंदर गाइस हम लोगों ने 1K सब्सक्राइबर हिट कर लिया है। अब हमारा अगला गोल होने वाला है गाइस 50K सब्सक्राइबर, यानी कि 50,000 सब्सक्राइबर। मुझे बताया कि गाइस आप लोग मुझे बहुत जल्दी करा दोगे 50K सब्सक्राइबर। पर गाइस मेरी तरफ से एक बार फिर से थैंक यू गाइस, आप सभी का दिल से थैंक यू कि गाइस हम लोगों ने बहुत कम टाइम में 1K सब्सक्राइबर अचीव कर लिया है। अब गाइस हम लोग अपने टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो गाइस केविन 11 जो है वो गाइस एक ऑस्मोसियन है, वो गाइस किसी चीज को एब्जॉर्ब कर सकता है, लाइक डीएनए को वो एब्जॉर्ब कर सकता है, स्किन को एब्जॉर्ब कर सकता है, किसी की गाइस वो पावर्स एंड एबिलिटीज को एब्जॉर्ब कर सकता है, इसके अलावा गाइस वो बहुत चीज को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो गाइस जब केविन 11 किसी चीज को एब्जॉर्ब करता है तो क्या उसको दर्द होता है, ये गाइस आपके मन में कभी ना कभी आया ही होगा। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि गाइस यहां पर केविन 11 को बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। मैंने गाइस बेन वाले वीडियो में आपको बताया था कि हाँ बेन को थोड़ा सा दर्द होता है, पर गाइस यहाँ पर केविन को बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। क्योंकि गाइस यहाँ पर सिंपल सा एक रीज़न है, आप लोग ऐसा समझो कि गाइस यहाँ पर जो केविन है वो गाइस किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि गाइस उसका जो पूरा शरीर है उस चीज़ में वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बेन का क्या होता है, बेन गाइस जब कुछ एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है तो गाइस बेन के शरीर में अलग अलग चेंजेस होते हैं, लाइक फोरआर्म्स के दो और हाथ आ जाते हैं, पूंछ आ जाती है स्पाइडर मंकी की, इस तरह से गाइस बेन को थोड़ा सा दर्द होता है। पर गाइस केविन के साथ ऐसा होता नहीं है, केविन गाइस पूरी तरह से जिस चीज़ को एब्जॉर्ब कर रहा है, लाइक वो अगर किसी आयरन को यानी कि लोहे को एब्जॉर्ब कर रहा है तो पूरी तरह से लोहे में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो गाइस वहाँ पर उसके ज़्यादा कोई दर्द होता नहीं है, क्योंकि गाइस उसके बॉडी में कुछ ज़्यादा चेंजेस होते नहीं है, बाहर से गाइस सिर्फ वह किसी चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है। पर गाइस यहाँ पर केविन 11 को गाइस सिर्फ एक चीज़ से दर्द होता है, वह है बेन का ओमनीट्रिक्स। जब गाइस केविन बेन का ओमनीट्रिक्स एब्जॉर्ब करता है तब उसको गाइस बहुत ज़्यादा दर्द होता है। आपने सही सुना गाइस, वह दर्द गाइस केविन सह लेता है, क्योंकि गाइस तब तक वह बेन के एलियंस में ट्रांसफॉर्म पूरी तरह से हो जाता है। जैसे कि आपने देखा भी होगा बेन 10 अल्टीमेट एलियंस में, आपने देखा होगा गाइस बेन 10 अल्टीमेट एलियंस में कि गाइस केविन जब बेन का ओमनीट्रिक्स एब्जॉर्ब करता है तो गाइस वह पूरी तरह से चिल्लाने लगता है, जैसे कि गाइस उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और बेन 10 क्लासिक में भी हमें देखने को मिला था कि गाइस जब केविन जो है वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है बेन के अलग अलग एलियंस में, तब भी गाइस उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो यहाँ पर गाइस हाँ, केविन को दर्द होता है जब वो बेन का ओमनीट्रिक्स एब्जॉर्ब करता है या अल्टीमेट्रिक्स को एब्जॉर्ब करता है, पर वह अगर किसी नॉर्मल चीज़ को एब्जॉर्ब करता है तो उसको बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। तो गाइस ये एक परफेक्ट आंसर था। अगर गाइस आपको इस वीडियो में कोई भी पार्ट अच्छा लगा तो गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको मिलूंगा बहुत जल्द किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।